हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज मैं लाइव हुआ हूँ आप लोगों को एक सिंपल सा चीज बताने के लिए है, वो है हाउस एक्टिवेशन। देखिए, हाउस एक्टिवेशन क्या है? जब हम हाउस एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर हाउस को कैसे एक्टिवेट करेंगे, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को समझना है भाव। भाव क्या है? ठीक है, तो भाव क्या है? जैसे कि फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। फर्स्ट हाउस इज तनु भाव। तो आपका अगर कुछ चीज आपका खुद के लिए कर रहे हो, दैट इज तनुभाव। सेकंड हाउस इज फाइनेंसेस। थर्ड हाउस इज पराक्रम। फोर्थ हाउस इज सुख भाव। फिफ्थ हाउस इज पुत्र भाव। सिक्स्थ हाउस इज फॉर एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स। ठीक है, इसी तरह आपका नाइन्थ हाउस हो गया प्रोटेक्शन का। टेंथ हाउस हो गया प्रोफेशन का, कर्म भाव। इलेवेंथ हाउस हो गया आपका लाभ भाव। ट्वेल्थ हाउस इज व्यय भाव। तो ये हाउस एक्टिवेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? आप कैसे हाउस एक्टिवेशन को आपका लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस में यूज करोगे? देखिए, लाइफ जो हमारा हाउस एक्टिवेशन है, उसमें आपको नॉर्मल ज्योतिष का चीज आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जैसे कि कुछ सिंपल सा टिप्स एंड टेक्निक्स अगर आपको पता होगा तो आप हाउस एक्टिवेशन को कहीं पर भी यूज कर सकते हो। एंड इसके लिए आपको कौन सा चीज कौन सा हाउस के साथ लिंक्ड है वो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज। जैसे कि किसी का प्रोफेशन में इशू आ रहा है तो नॉर्मली उसका टेंथ हाउस में प्रॉब्लम है। प्रोफेशन में अगर इशू आ रहा है तो टेंथ हाउस में प्रॉब्लम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? देखिए, एक जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं, एक मान लीजिए बेटे का प्रोफेशन में इशू है तो बेटे का टेंथ हाउस में इशू है, तो माँ का आप कौन सा हाउस देखोगे? उसका वाइफ का कौन सा हाउस देखोगे? उसका बच्चों का कौन सा हाउस देखोगे? ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है। एंड इट इज लाइक आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छी तरह से होगा। जैसे कि किसी का प्रोफेशन का इशू है तो उसका वाइफ का ये फोर्थ हाउस का इशू है। लग्न से टेंथ हाउस सेवेंथ हाउस में, सेवेंथ हाउस से फोर्थ हाउस को जाता है। तो हम जब लग्न से टेंथ हाउस की बात करते हैं, प्रोफेशन की बात करते हैं, वो फोर्थ हाउस सेवेंथ हाउस मतलब स्पाउस से फोर्थ हाउस का है। मतलब स्पाउस का मदर का कुछ इशू हो सकता है। स्पाउस का अगर प्रोफेशन में कुछ मेजर प्रॉब्लम है देन स्पाउस का चेस्ट में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये वाला चीज को आप हर जगह यूज करके देखो। एक इंसान का, मैं ऐसे ही बैठा था, एक इंसान का उसका राइट आई में इशू था, प्रोमिनेंटली राइट आई में कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है, राइट आई यू नीड टू आइडेंटिफाई। उसका अगर स्पाउस के बारे में बोलोगे तो वह कहां पर प्रॉब्लम होगा? ठीक है, तो ये राइट आई था इसलिए मैं उसको बताया कि उसका स्पाउस का जो माने आपका नाभि से नीचे जो हमारा कमर बोलते हैं, कमर से नीचे उसका कुछ बर्थ मार्क होगा या प्रोमिनेंट मार्क होगा। एंड बैंग ऑन उसका था, वाइफ का था। एंड सेम चीज, सेम टेक्निक आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे आपका स्पाउस का अगर पैर में कुछ इश्यूज आए, ये प्रोमिनेंट इवेंट है आपका लाइफ में, ये प्रोमिनेंटली आपको रिजल्ट देगा। स्पाउस का पैर में कुछ इश्यूज होगा तो आपका हेल्थ इश्यू होने का चांसेस ज्यादा है, आपका किसी से साथ झगड़ा होने का चांसेस ज्यादा है, आपका एनिमीज एक्टिवेट होने का चांसेस ज्यादा है। इसलिए हमेशा स्पाउस का अगर पैर का ध्यान
अगर रखा जाए, देन यू आर एड्रेसिंग योर सिक्स्थ हाउस। सिंपल सा चीज है, आपका वाइफ का तबीयत खराब होगा तो आपका कुछ एक्सपेंसेस, सडन एक्सपेंसेस आने वाला है। आप देखिए ये सब चीज आपका लाइफ में आएगा। बहुत बार ये कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन आता है कि हम कैसे एक पर्टिकुलर हाउस को एक्टिवेट करें। देखिए हाउस एक्टिवेशन, आप देखिए इसके लिए आपको ध्यान से समझना है हाउस के बारे में। ईच हाउस कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग ए मंत्रा, कैन बी एक्टिवेटेड। लाइक नाइन्थ हाउस अगर एक्टिवेट करना चाहते हो, देन यू कैन डू ए 9 साइवल मंत्रा। फिफ्थ हाउस के लिए 5 साइवल मंत्रा, नमः शिवाय, इट इज ए मंत्रा टू एक्टिवेट द फिफ्थ हाउस, क्योंकि नमः शिवाय ये 5 साइवल मंत्रा है। ओम नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः, ये जो मंत्रा है ये 6 साइवल मंत्रा है, तो ये 6th हाउस के लिए है। 8th हाउस के लिए ओम गृहिणी सूर्य आदित्य, आप देखिए ये 8th हाउस का मंत्रा है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये 10 साइवल का मंत्रा है। ओम क्लीम कुर्म देवाय नमः, ये 9 साइवल का मंत्रा है। बेस्ड ऑन द प्लैनेट आपको डिसाइड करना है कि कौन सा डीटी का आप मंत्रा करने वाले, आप कौन सा डीटी का मंत्रा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, कौन कौन सा हाउस को एक्टिवेट कर रहे हो उसके लिए एक चीज याद रखिए, कौन सा प्लैनेट है। अगर मान लीजिए कोई अपना 7th हाउस एक्टिवेट कर रहा है, 7th हाउस में मेलिफिक्स है, तो मेरे हिसाब से वो जितना नहीं एक्टिवेट होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। अगर एक्टिवेट करोगे देन डेफिनेटली यू आर गोइंग इनटू प्रॉब्लम, रिलेशनशिप इश्यूज चालू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ये देखिए ये वाला चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं। हाउस एक्टिवेशन में नॉर्मली बहुत सारा क्वेश्चन आता है, मेरा प्रोफेशन मैरिज नहीं हो रहा है, कौन सा हाउस एक्टिवेट करने से मैरिज होगा, ये बेसिकल क्वेश्चन। प्रोफेशन नहीं हो रहा है, कौन सा हाउस एक्टिवेट करने से प्रोफेशन होगा, जैसे कि नक्षत्र एक्टिवेशन का टेक्निक हमारा आप जो डॉक्टर अर्जुन पाए का टीम जो था वो नक्षत्र एक्टिवेशन का बहुत सारा टेक्निक बताए थे। बट मेरे हिसाब से आप नक्षत्र, किसी भी नक्षत्र को अगर एक्टिवेट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स और वी कैन से द प्रॉब्लम्स दैट कैन बी ट्रिगर्ड बाय एक्टिवेटिंग दैट नक्षत्र। आप अच्छे से अगर समझ सकते हो तो नक्षत्र एक्टिवेशन करो, अच्छे से अगर आप चार्ट को रीड कर सकते हो तो हाउस एक्टिवेशन करो। मैं जो ये टेक्निक बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका आपका घर में किसी का इशू है तो वो सेम इशू कैसे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट डिफरेंट हाउस ट्रिगर कर रहा है, वो वाले चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा मान लीजिए प्रोफेशन में इशू है, तो मेरे वाइफ का मदर का हेल्थ इशू हो सकता है, पिताजी का मुंह में कुछ इशू माने आ सकते हैं, मेरे पिताजी का मुंह में मतलब माउथ में कुछ इश्यूज हो सकता है, उनका फैमिली एनवायरनमेंट में कुछ इश्यूज हो सकता है, उनका फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए हाउस एक्टिवेशन बहुत ही ब्रिलियंट एंड इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का व्हीकल का इश्यू आया, तो आप कौन सा हाउस को देखोगे, 4th हाउस को देखना है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया 8th हाउस को देखना है। ठीक है, कोई किसी का मान लीजिए बच्चे का हेल्थ इश्यू है 10th हाउस है, आपका हेल्थ प्रोफेशन में प्रॉब्लम मतलब आपका बच्चों का किसी का जो पहला मतलब फर्स्ट चाइल्ड है उनका हेल्थ इश्यू हो सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। माइन्यूटली आप ये वाला चीज को हर जगह हर टाइम यूज कर सकते हो। मान लीजिए कोई अगर नॉर्मली ही इज एंजॉयिंग, वो 4th हाउस एक्टिवेट है, सुख भाव, 4th हाउस सुख भाव है, ही इज एंजॉयिंग मतलब उसका सुख भाव एक्टिवेट है, 4th हाउस एक्टिवेट है। देखिए जब हम लोगों का बर्थ होता है, हम लोग जब
बर्थ ले लेते हैं तो फर्स्ट बिगेस्ट चैलेंज इज फूड, भूख लगेगा। आप कुछ करो या ना करो, आपका पहला चैलेंज है भूख। आप कुछ करो या ना करो, भूख लगने वाला है। इट इज द फर्स्ट चैलेंज। सेकंड, आप देखिए बच्चा जो पैदा होता है, सेकंड क्या करते हैं, भूख लगता है, खाना देते हैं, माँ खाना देती है, उसके बाद आता है नामकरण। सेकंड जो उसका लाइफ इवेंट है वो नाम देना है। माँ और पिताजी मिलके एक अच्छा सा नाम दे देते हैं, वो नाम के साथ उसका ईगो जनरेट हो जाता है। ये सेकंड प्रॉब्लम है, जब हम नाम दे देते हैं उसके साथ उसका ईगो भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, जब आप नाम ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करो, या यू आर ए डिवाइन पर्सन, यू आर ए सेज, देन आप जब ईगो को कंट्रोल कर लोगे, देन द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ लाइफ विल कम, एंड दैट इज कंट्रोल ऑफ इंद्रिय। यू विल गेट इन टू, देखोगे आप बहुत सारे जगह पे देखोगे, जितना भी मुन्नी ऋषि ये सब है वहां, वो जब तपस्या करने के लिए जाते हैं तो इंद्र बेसिकली सेंड अप्सरास टुवर्ड्स देम। उसका वजह क्या है, आप देखोगे इंद्र ही डू नॉट वांट एनीवन टू डू तपस्या, क्योंकि अगर तपस्या करेंगे उसका जो किंगडम है उससे बाहर निकल जाओगे, तो नो किंग वांट्स यू टू गो आउट ऑफ देयर किंगडम। तो उसके लिए राजा क्या करेगा, वो हमेशा कोशिश करेगा, वो जो भी बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है उनको अपने बस में रखने के लिए। तो इंद्र का सबसे अच्छा हथियार है इंद्रिय। हम लोगों का जो इंद्रिय है दैट इज कंट्रोल्ड बाय इंद्र, तो वो क्या करेगा, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर कोई तपस्या कर रहा है, देन ब्यूटीफुल वुमेन विल कम इन देयर लाइफ एंड ट्राई टू ब्रेक दैट तपस्या। दीज आर थ्री मेन चैलेंजेस ऑफ ए ह्यूमन बींग। फर्स्ट इज भूख, मतलब खाना, भूख लगेगा। दूसरा है ईगो, मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है, मेरा मैं जो बोल रहा हूँ वो ईगो शो करता है। ये दोनों को अगर आप, जैसे कि भूख लग रहा है, दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय डूइंग फास्टिंग। ईगो को आप धीरे 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 आप स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो ईगो भी कंट्रोल हो जाएगा। बट द मेन थिंग इज दैट इंद्रिय, कंट्रोलिंग इंद्रिय इज वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज द फोरम ऑफ इंद्र। ठीक है, मैं ये चीज आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए जब भी हम कोई चार्ट देख रहे हैं या किसी चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद दैट चार्ट, तो वो अच्छा नहीं है, दैट विल मिसगाइडेड यू। हम जब भी चार्ट देखने की कोशिश करेंगे, यू ट्राई टू फोकस कीजिए कि उसका लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम है, जैसे कि प्रोफेशन का इशू है तो कौन सा चीज के लिए उसका प्रोफेशन का इशू है। बहुत सारा चीज देखने की जरूरत नहीं है, प्रोफेशन के लिए 10th हाउस देखिए, हाउस को देखिए, क्योंकि वो फाब, वो पार्ट ऑफ लाइफ इज अफेक्टेड। उसका पास पैसा है, उसका फैमिली एनवायरमेंट अच्छा है, इसका सुखभाव अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, बट प्रोफेशन में प्रॉब्लम है। मतलब 10th हाउस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई ना कोई किसी ना किसी का प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट है जो उसको प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे रहा है। D1, सिंपली D1 को हम यूज करेंगे। यहाँ पर एक कमेंट आया है, विजय भास्कर जी ने दिया है, गुरुजी प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ 5th हाउस मंत्रा शुड नॉट कंप्लीट विद 4th हाउस। हाँ, इट इज ए ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। देखिए 4th हाउस का जो फूड है, कोई भी हाउस का अगर 2nd हाउस की बात करेंगे, दैट इज ए फूड दैट हाउस। जैसे कि 1st हाउस लग्न इज देयर बिकॉज ऑफ द 2nd हाउस, हम खाना खाते हैं इसलिए लग्न इज देयर। अगर हम खाना नहीं खाएंगे देन वी विल डाई, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। सो जब हम मंत्रा चूज करेंगे 4th हाउस को, वो मंत्रा कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फॉर एन एग्जाम्पल इफ समवन हैज मून इन द 4th हाउस, ठीक है, एंड 5th हाउस में मान लीजिए मार्स है, 5th हाउस में मार्स है,
एंड फोर्थ हाउस में मून है, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन आस्क हर टू डू ए देवी मंत्रा विच विल फील शी विल लाइक प्रोटेक्टेड विद दैट मंत्रा, क्योंकि मार्स शोज करता है प्रोटेक्शन का और फोर्थ हाउस में मदर बैठी है, सो ही और शी कैन डू द मंत्रा ऑफ माँ दुर्गा सो दैट ही फील शी द नेटिव विल फील सिक्योर. फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट है वो कभी भी फोर्थ हाउस को वो अपोज नहीं करना है, वो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए. जैसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, आप राहु है फिफ्थ हाउस में, फोर्थ हाउस में मून है, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट यू कैन डू द मंत्रा ऑफ माँ दुर्गा, क्योंकि मदर नेचर राहु दुर्गा, 5-7 दुर्गा नमः कर सकते हैं. सिंपल नमस्कार मंत्र, सिंपल मंत्र वी कैन डू. बट हमेशा याद रखिए, फोर्थ हाउस में अगर मार से किसी का फिफ्थ हाउस में मून है, सेम फोर्थ हाउस इज लाइक यू आर हैविंग ए वायरी, योर हार्ट इज वांट प्रोटेक्शन. फोर्थ हाउस मार्स मतलब यू ऑलवेज ट्राई टू बी इन ए सेल, यू ट्राई टू फील लाइक प्रोटेक्टेड. सिर्फ फिफ्थ हाउस में मून है तो मदर प्रोटेक्शन मंत्र, दुर्गा माँ दुर्गा का मंत्र कर सकते हैं. फोर्थ हाउस फिफ्थ हाउस हमेशा आप देखिए दे आर वर्किंग टुगेदर लाइक फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस एनी हाउस एंड द सेकंड हाउस फ्रॉम दैट. सेकंड हाउस इज द फिट फ्रॉम द फिट फ्रॉम दैट हाउस. लाइक प्रोफेशन की बात करेंगे तो प्रोफेशन का फील्ड है गेन. हम अगर किसी कहीं पर प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, हमको पैसा नहीं मिल रहा है, देन वी विल डिससैटिस्फाई, वी विल नॉट डू दैट जॉब. एनी हाउस द सेकेंड हाउस इज द फील्ड ऑफ दैट हाउस. लाइक इसलिए मैं आपको बताया था एक वीडियो में, मंत्र भाव शुड नॉट अपोज द फोर्थ हाउस. नहीं तो फोर्थ हाउस में कुछ है, आप फिफ्थ हाउस में कुछ कर रहे हो तो दे विल मैंने फोर्थ हाउस विल बी रूइन. आप हमेशा फोर्थ हाउस को ध्यान में रखिए, फोर्थ हाउस क्या रिक्वायर कर रहा है, फिफ्थ हाउस में कौन सा प्लानेट है, आप वो दो प्लानेट को लिंक करके बीच का मंत्र कीजिए. देखिए मंत्र की जब हम बात करते हैं, मंत्र हम लोगों को हमारा जो इष्ट देवता है, इष्ट देवता का मंत्र जरूर करना है. उसके बाद धर्म देवता का मंत्र जरूर करना है. इष्ट देवता का मंत्र आप 12th फ्रॉम आत्माकारक नवांश का, जो 12th फ्रॉम आत्माकारक उस वहां का मैंने 12th फ्रॉम आत्माकारक इन नवांश विल गिव यू द इष्ट देवता. सिमिलरली धर्म देवता 9th फ्रॉम आत्माकारक इन नवांश विल गिव यू द धर्म देवता. तो हमेशा इष्ट देवता धर्म देवता ये दोनों को आपको पहले आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज दे आर लाइक व्हाट यू कैन से, they are like your guiders, they are like your protectors. यहाँ पर एक कमेंट आया है, when two cruel planets are only few degree apart but in different rasi, like sun and mars 29-1 degree close conjunction. देखिए जब राशि चेंज हो जाता है तो मेरे हिसाब से it is not an issue, क्योंकि जो 29 डिग्री में है वो आत्मा कारक है, जो 1 डिग्री में है वो है धरा कारक. तो मेरे हिसाब से अगर राशि चेंज हो जाता है इट इज नॉट एन इश्यू. उसको आप जो भाव चलित चार्ट उसमें देख के आप कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, कंजक्शन में नहीं आएगा मेरे हिसाब से, यू विल नॉट गेट दैट इफेक्ट. सन मार्स क्या है, अंगारक योग का इफेक्ट अलग, राशि चेंज हो जाता है तो उसमें आपको मिलेगा नहीं. देखिए आप यहां पे दो चीज को समझने की कोशिश कीजिए. जहां पर हम साइन डिफाइन किए हैं, साइन जो है वो एक रीजन है एंड उसका साइन लॉर्ड है. जब आप साइन का एक्सट्रीम एंड में जाते हो, दूसरे साइन में जाते हो, दैट इज द संधि पीरियड, वो वाला आपके लिए हमेशा अनस्टेबल एनर्जी रहेगा. बट आप यहाँ पर कंजक्शन वाला रिजल्ट वहां पर मेरे हिसाब से तो मिलेगा नहीं. आप भाव चलित चार्ट में देखोगे, भाव चलित चार्ट यू कैन यूज दैट चार्ट टू आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट. जैसे कि
वो पर्टिकुलर बड़ी पार्ट में अगर यहाँ पर जैसे कि 29.1 डिग्री है, भाव चलित चार्ट में दोनों चले जाएंगे सिक्स हाउस में या फोर्थ हाउस में, तो नहीं तो थर्ड हाउस में, तो नेक में इशू, शोल्डर में इशू आ सकते हैं, वो बोल सकते हैं। बट नॉर्मली वो आपको जो अंगारक योग का इफेक्ट नहीं देगा, अंगारक योग का इफेक्ट नहीं देगा। इसलिए आप यहाँ ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए, अगर साइन चेंज हो जाता है तो दे आर इन डिफरेंट साइन, दे आर इन डिफरेंट साइन ऑल टुगेदर। तो उसके लिए आप कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए कि वो दोनों तो दो डिग्री अपार्ट है, बट दे आर डिफरेंट। जैसे कि आप अगर वाघा बॉर्डर जाएंगे, वाघा बॉर्डर में इंडिया पाकिस्तान एक बॉर्डर का गैप है, 200 मीटर का गैप है। उसका मतलब थोड़ी है कि हम उस साइड चले जाएंगे, वो प्लानेट इस साइड है, उस साइड का लोग इधर आ जाएगा, हो नहीं पाएगा, बिकॉज देर इज ए सेपरेशन, देर इज ए सेपरेशन। सो यहाँ पर जब हम साइन की बात करते हैं, देर इज ए इनविजिबल सेपरेशन, ठीक है। तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट दे विल नॉट इफेक्ट ईच अदर, दे विल नॉट इफेक्ट ईच अदर। बट जहां पर भाव चलित चार्ट में अगर कोई एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को देख रहे हो, देन इन दैट केस वी कैन यूज, बट अगेन अगर नक्षत्र, देखिए नक्षत्र का भी डिग्री आप देखोगे, नक्षत्र भी आप देखोगे कहीं के गंडांत, गंडांत पोर्शन क्या है, गंडांत मतलब एक फायर और वाटर साइन जहां पर कंजुक्ट होता है वो गंडांत आता है, वहां पर नक्षत्र लिंक नहीं है। चलिए विजय भास्कर जी पूछ रहे हैं, गुरु राशि दृष्टि और लग्न इज बैड और ग्रह दृष्टि बैड, बोध दृष्टि सर्टन इक्वली बैड। देखिए पहले आपको यहाँ पे समझना है जे कोई भी एक प्लैनेट का ग्रह दृष्टि और राशि दृष्टि क्या है। राशि दृष्टि इज लाइक नेचर इज गिविंग यू, राशि दृष्टि इज लाइक एनवायरमेंट, राशि दृष्टि इज ऑलवेज देयर फ्रॉम योर बर्थ इज देयर राशि दृष्टि, ओके। यहाँ राशि दृष्टि को कहाँ पर यूज करेंगे, जब हम किसी का मान लीजिए, जब हम किसी का पुण्य चक्र जो अर्धला लग्न से थर्ड हाउस देख रहे हैं डेथ सराउंडिंग के लिए, वहां पर राशि दृष्टि यूज कर सकते हो। बट नॉर्मली सेटन का एस्पेक्ट जो बोल रहे हो, वो सेटन का एस्पेक्ट वो ग्रह डिजायर है। राशि दृष्टि इज ए परमानेंट काइंड ऑफ थिंग, इट इज ऑलवेज देयर। बट ग्रह दृष्टि क्या है, वो आपको एक पर्टिकुलर दशा अंतर दशा में आएगा, ठीक है। पहला चीज है लग्न का, लग्न है आपका इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस है लग्न। सेप्टेन का एस्पेक्ट अगर वहां पर आ रहा है, देन यू आपका इंटेलिजेंस में उसको इफेक्ट करेगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस को भी इफेक्ट करेगा। बट इट डिपेंड्स ऑन दशा अंतर दशा, बट राशि दृष्टि है, देन इट इज ए परमानेंट काइंड ऑफ इफेक्ट ऑन योर इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग। तो मेरे हिसाब से राशि दृष्टि लग्न में अगर रहेगा, देन इट इज ए परमानेंट काइंड ऑफ थिंग एंड इट इज फ्रॉम द बर्थ, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। बट ग्रह दृष्टि अगर लग्न में है, देन डिपेंडिंग ऑन दशा अंतर दशा योर इंटेलिजेंस विल नॉट वर्क और यू विल थिंक डिफरेंटली। सोमनाथ आई सी थैंक्स, आई गेट योर पॉइंट दैट राशि डिफरेंट। देखिए हम जब हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कुछ सिंपल चीजों का, जैसे कि हाउस एक्टिवेशन का मैं अब जब बता रहा हूँ, हाउस एक्टिवेशन में आप हमेशा हाउस के ऊपर ध्यान दीजिए, कौन सा हाउस है। एंड ये इसके लिए आपको बाहर चार्ट की भी जरूरत नहीं है। आप मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इवेंट हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसके चलते हुए उसका फैमिली में किसी का क्या होने वाला है, आप उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे कि एक्सीडेंट एट हाउस एक्टिवेटेड है, देन पिताजी का पैर में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, माँ का ये जो स्टोमक में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान रखना है। बीबी का माउथ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, बीबी का फाइनेंशियल अगर सेपरेट कुछ अकाउंट है तो वहां पर इशू आ सकते हैं, उस वाइफ का फैमिली में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप इसी तरह अगर आप देखिए, अगर आप हाउस एक्टिवेशन को बहुत ही अच्छे से कर लोगे, देन बाय लाइफ इवेंट्स
यू कैन एबल टू प्रेडिक्ट डिफरेंट थिंग इन योर डिफरेंट थिंग्स। किसी का मैरिज सेरेमनी हो रहा है तो आप देख रहे हो उसका सेवेंथ हाउस एक्टिवेटेड है, आप बोल सकते हो भाई तुम्हारा ये हुआ है वो हुआ है, सेवेंथ हाउस में मेलिफिक्स है, मैरिज सेरेमनी है, देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम। सिंपल सा चीज है, सिंपल सा चीज है कि अगर कुछ मेलिफिक्स है तो नॉर्मली इट विल नॉट गिव यू दैट ए गुड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हाउस एक्टिवेशन, नक्षत्र एक्टिवेशन हम जानने के लिए अच्छा है, हम कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम या एक कुछ लाइफ इवेंट होने के बाद उसको रिसर्च करते हैं, बट नॉर्मली इंटेंशनली एक्टिवेशन करना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। यू डू मंत्रास, जैसे कि हाउस को एक्टिवेट करना है, यू डू मंत्रास, मंत्रास फॉर दैट हाउस, इट इज ए सात्विक वे ऑफ डूइंग सर्टेन थिंग। देखिए हर चीज का सात्विक, रजसिक एंड तामसिक वे है। सात्विक विल नॉट, it is a kind of you are asking the divine what they want, ठीक है। राजसिक में क्या है ना, you are doing certain thing like wearing gemstone, it is a rajasic, rajasic, you are putting something, ठीक है। तामसिक you are doing tantras, you are doing certain balis, you are doing certain rituals which are not acceptable to accomplish certain thing। तो हमेशा आप ध्यान रखिए सात्विक आर गुड। यहाँ पर सामर्थ जी ने बताया आई कैन रिलेट टू द राशि दृष्टि, इन ऑल फोर केंद्र ड्यूअल साइंस सो ऑल ऑफ देम एस्पेक्ट ईच अदर tussle situation is throughout all the time। देखिए केंद्र भावस और विष्णु स्थान, ठीक है, केंद्र भावस और विष्णु स्थान, राशि दृष्टि, आप ये चीज जान के रखिए राशि दृष्टि आर परमानेंट, इट विल बी देयर। और नॉर्मली हम कोई एनवायरमेंट ढूंढने के लिए राशि दृष्टि देखते हैं, जैसे कि किसी का एक्सीडेंट, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट भी होता है, कोई स्टेयर केस में भी गिर जाता है, पॉसिबल पॉसिबिलिटीज आर देयर, देयर इज कोई घर 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 के एनवायरमेंट में एक्सीडेंट होता है, कोई पानी में जाके किसी का एक्सीडेंट होता है, ठीक है। तो वो सिनेरियो के लिए हम राशि दृष्टि यूज करते हैं, बट वो टाइमिंग हम दशा से लेंगे। गुरुजी व्हिच प्लैनेट आर वेलकम इन 12th हाउस फ्रॉम कारकांश इन D9, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। विजय भास्कर जी ने पूछा जे व्हिच प्लैनेट आर वेलकम 12th फ्रॉम आत्मा कारक इन D9। मेरे हिसाब से आप देखिए 12th फ्रॉम आत्मा कारक इन D9 इज द ट्रू प्रोटेक्टर ऑफ योर सोल। आप प्लैनेट को मत देखिए, आप बोलोगे वहां पर जुपिटर अच्छा है या सैटर्न अच्छा है, वो दोनों ही अच्छे हैं, बिकॉज दे बोथ आर प्रोटेक्टिंग योर सोल, दैट दे आर इष्ट देवता, वर्शिप देम, वेदर ही इज सैटर्न, वेदर इट इज राहु, वेदर इट इज केतु। बट नॉर्मली बोला जाता है D9 का आत्मा कारक का 12th हाउस में अगर केतु होगा देन यू आर इन द पाथ ऑफ मोक्षिया, इट विल गिव यू मोक्षिया। एंड अगर आप किसी साधु या महात्मा के चार्ट में ये देखते हो देन इट मे बी हिज लास्ट बर्थ। तो हमेशा केतु मोक्ष कारक है, वो जीवन मुक्तांश है, तो केतु मेरे हिसाब से अगर कोई प्लैनेट होना चाहिए तो दैट विल बी केतु। एंड आप देखिए जब आप जो बर्थ और डेथ का साइकिल से आप बाहर जाना चाहते हो देन केतु इज नॉट ए क्वाइट इजी प्लैनेट टू डील विद, यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ गुरु, यू नीड टू बी हैव दैट काइंड ऑफ गाइडेंस टू डील विद दैट केतु, वेरी डिफिकल्ट। मैं देखा हूँ जो जिसके जिन जिन के चार्ट में आत्मा कारक का 12th हाउस D9 में केतु है, लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट है उन लोगों का, बट इट इज देयर डेस्टिनी। सो नॉर्मली केतु अगर रहेगा तो हम बोलेंगे आप गणेश जी की साधना कीजिए, पहला है। दूसरा है भगवान का, भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है उनको पूजा कीजिए, ओम नमो भगवते महामत्स्याय, ये वाला मंत्र यूज कर सकते हैं। Ok,
एंड लिसनिंग टू द वे द देखिए यहां पर खन्ना जी ने जो पूछा है कैन लिसनिंग टू वेदा वेदा रिचेस ऑन यूट्यूब बी डन। देखिए कुछ ना करने से, मान लीजिए मैं अभी कुछ ही नहीं करूंगा, उसके हिसाब से कुछ करना अच्छा है। जब तक हम कोई चीज को सुनेंगे नहीं, आप वो चीज में आपका प्रोफिशिएंसी आएगा नहीं। वेदा का जो वर्सेस है उसको याद रखने के लिए, उसका सही प्रोनाउंसिएशन जानने के लिए हमको उनको बार बार सुनना चाहिए, क्योंकि हम जो सोसाइटी में रहते हैं यहाँ पर लोग बेजपाट नहीं करते हैं। हम लोगों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपका वो प्रोफिशिएंसी लेवल आएगा, तो कहीं से सुनने से ही आपका प्रोफिशिएंसी लेवल बढ़ेगा। ओके, एंड डूइंग वेदास, डूइंग लिसनिंग वेदास इन यूट्यूब, इट्स गुड। You are listening to the names of Lord Vishnu, the supreme power. You are listening to them. So it is not at all a bad practice. मेरे हिसाब से आप करोगे तो अच्छी अच्छी बात है। देखिए वेदा से एक important चीज है, जो वेद मूर्ति, हर वेदा का एक वेद मूर्ति होता है। हम चार वेद की बात करते हैं, रूप, जदुर, साम, अथर्व, ये चार वेद का वेद मूर्ति चार है। तो वेद मूर्ति को आप समझिए, आपका कौन सा वेद कर रहे हो, रूप वेदा, जैसे कि गोमुख सिद्धिरस्तु, ठीक है, गोमुख सिद्धिरस्तु। देखिए वेद पाठ के लिए जो वेद मूर्ति को हम एक वेद के लिए जो वेद मूर्ति आइडेंटिफाइड किया गया है या जो है वेद मूर्ति, आप देखो कि उनका बॉडी है हुमान का और हेड है अलग। जैसे कि गोमुख सिद्धिरस्तु, वो गोमुख मतलब गाय का उनका हेड है। हनुमुख सिद्धिरस्तु, हनुमान मतलब मंकी फेस है। हयमुख हॉर्स फेस है। गोमुख, हनुमुख, हयमुख। आप देखोगे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो मुख हम बोलते हैं, देखोगे उनका बॉडी है ह्यूमन का एंड हेड अलग है। आप देखोगे जो सजेटेरियस साइन में, सजेटेरियस साइन में आप देखोगे उसका बॉडी, वो एक स्पिरिचुअल साइन है, बट धर्म का साइन है, नाइन्थ हाउस है नेचुरल जोड़िए का। उसका देखोगे हॉर्स का बॉडी है और हेड ह्यूमन का है। एंड वेद मूर्ति ठीक उसका अपोजिट है। मतलब आप देखिए ह्यूमन हेड में हम लोगों का जो हेड है, जो सेंसेस है, मेन सेंसेस है, वो इधर एस्टेब्लिश्ड है। तो अगर आप आपका हेड हटा दोगे, यू विल लूज योर आइडेंटिटी एंड पुट समवन अदर्स हेड, देन यू कैन एबल टू लर्न द वेदास, यू कैन एबल टू लर्न द रियल हिडन मीनिंग ऑफ वेदास। ईगो नहीं है आपके पास, आप लर्निंग के लिए कहीं भी किसी के पास भी जा सकते हो। दैट इज द मेन मोटिव ऑफ पुटिंग ए वेद मूर्ति। हनुमुख सिद्धिरस्तु, गोमुख सिद्धिरस्तु, हयमुख सिद्धिरस्तु, वेद मूर्ति का पर्पज क्या है? आप देखोगे उन लोगों को वो ऐसे ही डिफाइन किया गया है, जैसे कि आपका डिफरेंट मतलब इंसान के लिए आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट हेड है, क्योंकि सब सेंस ऑर्गन इधर है। जितना भी हमारा आई, नोज, माउथ, ईयर, इवन स्किन, वो हेड में है। तो अगर आप हेड को हटा दे तो यू आर लूजिंग योर आइडेंटिटी, यू आर नो मोर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो वेद मूर्ति का लॉजिक है, यू नीड टू रिमूव योर हेड एंड पुट द गोमुख सिद्धिरस्तु, सो दैट यू कैन एबल टू लर्न द वेदास। वेद समझने के लिए आपको वही करना है, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो हाउस एक्टिवेशन के ऊपर जो आज डिस्कशन हो रहा है, हाउस एक्टिवेशन में आपको हमेशा ध्यान रखना है जो कौन सा हाउस को एक्टिवेट कर रहे हो। विदाउट प्रॉपर नॉलेज, आप जैसे हम नॉर्मली आज के डेट में इंटरनेट में देखते हैं, ये हाउस को ऐसे एक्टिवेट कर लेंगे, वो नक्षत्र को ऐसे एक्टिवेट कर लेंगे करके करते हैं, एंड इट कैन ट्रिगर डिफरेंट इवेंट्स इन योर लाइफ। इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए ये हाउस को मैं एक्टिवेट करूंगा तो ये तीन चार इवेंट ट्रिगर होंगे।
मैं जो आपको बता रहा हूं आज, जे आपका कुछ इवेंट हो गया है, इवेंट हैज हैपेंड, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन ट्रिगर, ठीक है, जैसे कि किसी का पेरेंट्स का डेथ हो गया, प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएंगे। आप देख लीजिए 90% केसेस में आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट स्पेसिफिकली फादर देर विल बी इश्यू इन देयर प्रोफेशन, डेफिनेटली आएगा, कुछ ना कुछ प्रोफेशन में हो जाएगा, दिक्कत आएंगे। आप देखोगे किसी का डेथ, किसी का पेरेंट्स के डेथ के बाद प्रोफेशन में इश्यूज आएंगे, तो उसी उसी के चलते हुए आप देखोगे उसका डेथ के बाद नॉर्मली बच्चों का हेल्थ इश्यूज आ रहा है, किसी के डेथ के बाद, किसी के पेरेंट्स की डेथ के बाद आप देखोगे बच्चों का हेल्थ इश्यूज आ सकता है, ठीक है। इसी तरह आपका मान लीजिए कहीं पर कोई किसी का फाइनेंशियली वो कुछ इनहेरिटेंस का इश्यूज है, तो आपका एथ हाउस का इशू है, इनहेरिटेंस का इशू मतलब एथ हाउस का कुछ इशूज है, एथ हाउस का इशू है मतलब स्पाउस का अपने फैमिली के साथ, मतलब आपका स्पाउस के फैमिली के साथ भी अच्छा नहीं आपका जाता होगा, ठीक है। एंड योर फादर में मस्ट हैव सम प्रॉब्लम इन हिज फिट। आप देखोगे 12th हाउस मार्स, आप मैं आज तक जहां पर 12th हाउस मार्स देखा हूं और एक मेलिफिक एस्पेक्ट है, पूछा हूं कि आपका पिताजी का प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट था, तो 99% में मुझे आंसर यस मिला है। क्यों? मार्स 4th हाउस में है, मेलिफिक एस्पेक्ट है, डेफिनेटली पिताजी का प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज आएंगे। एंड आप देखिए किसी का बर्थ होता है देन इट इज ए सर्टेन काइंड ऑफ ट्रांजिट इन द पेरेंट्स स्टार। मान लीजिए मेरा कोई बच्चा है तो वो जब उसका जब बर्थ हुआ है तो मेरा वो ट्रांजिट चार्ट है, उस टाइम में मैं जो कर रहा हूँ वो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। इसलिए बोला जाता है यू डू गुड कर्मास एंड विल रिफ्लेक्ट योर चाइल्ड चार्ट। फिफ्थ हाउस क्या है? आपका 9th से 9th है, आप धर्म से धर्म हो, आप जितना भी अच्छा काम करोगे यू आर डूइंग गुड जॉब, यू आर डूइंग गुड कर्मास, यू आर डूइंग गुड थिंग्स, देन दैट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन योर फिफ्थ हाउस। यू आर डूइंग मंत्रास, यू आर डूइंग गुड मंत्रास, देन यू आर रेक्टिफाइंग द 9th हाउस, यू आर डूइंग 9th हाउस, यू आर रेक्टिफाइंग द 5th हाउस, दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। सो 5th हाउस को रेक्टिफाई करने के लिए सबसे अच्छा मंत्र है नमः शिवाय, क्योंकि नेचुरल जोड़िएक का 5th हाउस सन का है, सन का जो प्रत्यादिदेव है लॉर्ड शिवा, तो आप 5th हाउस के लिए आंख बंद कर एनीवन कैन डू नमः शिवाय, 5 माला रोज जाप की कर सकते हैं नमः शिवाय। रुद्राख्य माला से पंचमुखी रुद्राख्य में ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। एंड देखिए जो मंत्र जाप करते हैं इट शुड बी वेरी क्वाइट एंड वेरी प्रेजेंट इन नेचर। आप लोगों को मंत्र जाप करने में अच्छा लगना चाहिए, फील अच्छा होना चाहिए। हमको अगर फील अच्छा होगा तो मानिए जो देवता उनको सुन रहे हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। वर्गो लग्न सन मर्क्यूरी इन 7th हाउस, ठीक है। तो आप देखिए मंत्र जाप का प्रैक्टिस ये होना चाहिए कि आप जो मंत्र जाप कर रहे हो यू नीड टू फील सैटिस्फाइड। तो अगर आप सैटिस्फाइड फील करोगे तो डेफिनेटली जो देवता वो मंत्र सुन रहे हैं वो भी सैटिस्फाइड है। अगर आप देखोगे कोई कोई बहुत हड़बड़ा के मंत्र जाप करते हैं, जैसे कि कोई भी मंत्र बहुत फास्ट करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ मंत्र जाप इज जस्ट डूइंग मुझे करना है, उसको धीरे धीरे कीजिए, एक फ्रीडम में कीजिए, एक फ्रीक्वेंसी में कीजिए, तब जाके आपको लगेगा कि नहीं जो देवता मेरे मंत्र को सुन रहे हैं वो भी फील अच्छा कर रहे हैं। 9th हाउस देखिए, 9th हाउस टेम्पल का जगह है। आप देखोगे 9th हाउस इज फॉर टेम्पल, 5th हाउस इज फॉर मंत्र। तो अगर 9th हाउस को आप एक्टिव करना चाहते हो गो टू टेम्पल रेगुलरली, डेली आप मंदिर जाओ तो आपका 9th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। यू गो टू टेम्पल एवरी डे, एक सिंगल डे आप फेल नहीं करके आप टेम्पल जाइए, देखिए 9th हाउस पक्का एक्टिवेट हो जाएगा। पिताजी के साथ अगर अच्छा नहीं किसी का हो,
अगर अच्छा रिलेशन नहीं है, स्टार्ट गोइंग टू टेम्पल रेगुलरली, नाइन्थ हाउस आप देखोगे धीरे धीरे जाते 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 उसका पिताजी के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ट हो जाएगा। देखिए मेनली फिक्स इन नाइन्थ हाउस, जैसे कि नाइन्थ हाउस का कारक कौन है, जुपिटर है, जुपिटर का डेट एनिमी कौन है, सैटर्न है, राहु, स्पेसिफिकली राहु है, राहु विल गिव बैड रिजल्ट इन नाइन्थ हाउस, क्योंकि वो मरण मरण कारक स्थान है, ये जुपिटर का है, ये लॉ बताएगा, राहु बोलेगा मैं इस काम ये काम करूंगा नहीं, ही विल थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बाउंड्री, आउट ऑफ द रिलीजन। तो आप एक चीज उनको बता सकते हो, आपको बोलना है देखिए ही विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रेक द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, बट एक चीज वो करेगा रेगुलरली माँ दुर्गा जी के टेम्पल को रेगुलरली जाएगा, देन दैट राहु कैन बी कंट्रोल, दैट राहु एनर्जी कैन बी चैनलाइज्ड, ही और सी मे हैव ए गुरु फ्रॉम फॉरेन लैंड, डेफिनेटली ही और सी विल हैव ए गुरु, बट माँ दुर्गा का अगर टेम्पल में जाएगा देन दैट एनर्जी विल गेट चैनलाइज फॉर द टाइम बीइंग। देखिए कुछ मंत्र यहाँ पर खन्ना जी ने पूछा है, इज मंत्र संस्कार नेसेसरी, देखिए मंत्र संस्कार कुछ जगह पर नेसेसरी होता है, जैसे कि कोई दीक्षा लेता है वो मंत्र के लिए आपको नेसेसरी होता है, बट पंचाक्षर मंत्र के लिए नेसेसरी नहीं है, द्वादश अक्षर मंत्र के लिए नेसेसरी नहीं है, अष्टाक्षर मंत्र के लिए नेसेसरी नहीं है। आप जब भी पूजा करते हो, देखिए किसी से मंत्र दीक्षा लेने के टाइम में आपको वो देखिए मैं जो बोलते हैं मंत्र देवता को आपके अंदर लाना है, तो वो उतना लाख आपको जाप करना है, एंड ये इसको आपको वैदिक रिमेडीज ऑफ एस्ट्रोलॉजी पंडित संजय ऋषि का एक बुक है, वहां पर वो डिटेल वे में दिया है तो एक मंत्र को कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। बट इन जनरल आज के डेट में अगर आपको उस तरह का आपको अगर कोई इंसान नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, ऋषि, हर मंत्र का इज एसोसिएटेड विद ऋषि, आप ऋषि छंद करके आप मंत्र को कर सकते हो। मैं आपको सिंपल सा नमः शिवाय मंत्र का बता रहा हूं, देखिए नमः शिवाय मंत्र का है ये शिव पूजने शिव जी के पूजन के टाइम में हम करते हैं, तो ऋषि है वो ऋषि है वामदेसर देव ऋषि पंक्ति छंद ईश्वर देवता, आपका ऋषि यहाँ से शुरू होता है, ऋषि सहस्रार चक्र है, तो आप वामदेव ऋषि पंक्ति छंद ईश्वर देवता सदा शिव पूज्य कर्मणि विनियोग हो करके फिर करण न्यास हो, ओम ओम अंगुष्ठाभ्यां नमो, ओम नम तर्जनीभ्यां स्वाहा, ओम अनामिकाभ्यां, ओम ओम अंगुष्ठाभ्यंग नमो, ओम नम तर्जनीभ्यंग स्वाहा, ओम नम मध्यमाभ्यंग वसट, ओम सिंहनामिकाभ्यंग, ओम कंकनिष्ठाभ्यंग वसट, ओम यम करतलकृष्ठाभ्यंग फट, ऐसा करेंगे फिर अंगन्यास मतलब ओम ओम हृदय ओम सिरे में स्वाहा, ओम 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 हृदयाय नम, ओम ओम हृदयाय नम सिरे में स्वाहा, शिखाय वसट कवचाय नेत्राय वसट करतलकृष्ठाभ्यंग फट, ये करन्यास और अंगन्यास मंत्र देवता करन्यास और अंगन्यास करके आप मंत्र कर सकते हो, पूजा भी कर सकते हो, ठीक है। बट जहां पर आप गुरुजी से कोई दीक्षा ले रहे हो एनर्जाइज करने के लिए ले रहे हो, वो टाइम में आप जैसे पर्टिकुलर प्रोसेस में वो चीज सब करना पड़ेगा जो आप लिखे हो, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए हाउस एक्टिवेशन के लिए मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द हाउस ऑल टुगेदर, आप विदाउट प्रॉपर नॉलेज कोई भी हाउस को एक्टिवेट मत करो, कोई भी नक्षत्र को भी एक्टिवेट मत करो, ठीक है। हाउस एक्टिवेशन में जो आपको बता रहा हूँ, अगर किसी का कुछ हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसका फैमिली में क्या क्या हो सकता है वो वाला चीज आप बता सकते हो, बताने का मतलब नहीं है कि यू विल ए गुड प्रेडिक्टर, में वो चीज नहीं बोल रहा हूँ, यू कैन एबल टू नो व्हाट आर द थिंग कैन ट्रिगर, उसके लिए आपको ध्यान देना है। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये तीन चीज हो सकता है उसका फैमिली में, तो उसको बोलना भाई ये तीन चीज का ध्यान रखना, वाइफ को बोलना ये चीज करने के लिए, पिताजी को बोलना आपका पैर का ध्यान रखे, चलने के टाइम वो पैर में चोट लग सकता है,
मां बोलना ये चीज करने के लिए। तो बेसिकली पर्पस ये है कि कुछ लाइफ का इवेंट के थ्रू लाइफ का और जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लाइफ में सर्टेन इवेंट विल ट्रिगर। एंड जो मंत्र है, मंत्र के लिए आप डेफिनेटली यू रिक्वायर ए गुरु, ठीक है। मंत्र अगर साधना करते हो यू रिक्वायर ए गुरु, विदाउट गुरु आप मंत्र साधना नहीं कर सकते हो। बट जब हम आपके लिए आपके पास गुरु नहीं है तो कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हमको ऐसे जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, अष्टाक्षरी मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दीज आर दी मंत्र, दे आर एनर्जाइज्ड मंत्र, आप कभी भी कर सकते हो एंड उसके लिए आपको ये सब चीज का जरूरत नहीं है। बट कुछ मंत्र जैसे कि शिव पूजन टाइम में हम जो मंत्र करते हैं उसके लिए हम ऋषि न्यास कर हमारा जो ऋषि न्यास करके हम कर सकते हैं। हर मंत्र का एक ऋषि है, वित्त ऋषि कोई भी मंत्र नहीं है। तो फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस सेशन, हम फ्यूचर में इस तरह का और सेशन करेंगे, क्लैरिफिकेशंस लाएंगे और डिटेल में जाएंगे हाउस के बारे में, साइंस के बारे में। सो फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस सेशन, हैव ए ग्रेट नाइट अहेड, थैंक यू।